इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें। नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत, और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दौसा से, जहां राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत समिति दौसा जिले की बसवा में पंचायती राज चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के दौरान फर्जी मतदान को लेकर आमजन ने मतदान केंद्र पर जमकर हंगामा कर दिया। प्रत्याशियों ने फर्जी मतदान के संबंध में मजिस्ट्रेट को मौके पर बुलाकर चर्चा की। फर्जी मतदान को लेकर हुए हंगामे से माहौल संवेदनशील हो गया, जिसके चलते प्रशासन सतर्क हो गया और पुलिस जाब्ते को मौके पर तैनात कर दिया गया। प्रत्याशियों ने एक दूसरे पर फर्जी मतदान कराने के आरोप भी लगाए हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत समिति में चुनाव संपन्न होने से पहले माहौल संवेदनशील हो गया है, जिससे निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। इधर नई दिल्ली में निर्भया केस के तिहाड़ जेल अथॉरिटी ने जानकारी दी है कि दोषी मुकेश को उसकी दया याचिका खारिज होने के बारे में जानकारी दे दी गई है। तो वहीं दोषी पवन के वकील ने कोर्ट को जानकारी दी है कि हाई कोर्ट द्वारा उसे नाबालिग मानने की याचिका खारिज होने के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दूसरी ओर निर्भया केस के एक दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका खारिज करने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आभार प्रकट किया है। लगे हाथ दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर भी निर्भया के साथ बर्बरता करने वाले एक नाबालिग के साथ सहानुभूति दिखाने का आरोप भी चढ़ दिया है। बीजेपी नेता ने गैंगरेप और मर्डर में संलिप्त उस नाबालिग को आम आदमी पार्टी से दी गई सहायता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सबूतों से पता चलता है कि उसने निर्भया के साथ कितना जघन्य और अवमान्य व्यवहार किया था। उसकी रिहाई पर आम आदमी पार्टी ने 10,000 रुपए दिए और सिलाई मशीन भी दी। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज आतंकियों की सहायता करने वाले डीएसपी देवेंद्र सिंह के मामले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देवेंद्र सिंह को चुप करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि उसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर देना चाहिए। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि एनआईए की अगुवाई भी एक और मोदी ही कर रहा है, वाईके मोदी, जिसने गुजरात दंगे और हरेन पंड्या मामले की जांच की थी। वाईके की अगुवाई में ये केस उसी तरह है मानो पूरी तरह से दबा दिया जाएगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी बीते 2 दिनों से देवेंद्र सिंह के मामले पर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इधर बरसीको का बास हजारों में किसानों के खेतों में फूलों की चादर चढ़ने लगी है। इसको देखकर इन दिनों किसानों के चेहरों पर कुछ सुकून जरूर दिखाई दिया है। इस वर्ष किसानों का मानना है कि सरसों की पैदावार से कुछ तो आय बढ़ेगी और कर्ज भी कम होगा। हजारों किसानों ने अपनी फसलों को खाद देना शुरू कर दिया है। छोटे छोटे पौधों में फूलों की देखते किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। सरसों की फसल पर लगे पीले फूलों ने जैसे खेतों पर सोने की चादर डाल दी हो। इस बार मौसम किसानों के साथ ही बनता हुआ नजर आ रहा है। लगातार सर्दी से किसानों को अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है। इधर धौलपुर जिले के सेवो कस्बे में बाड़ी मार्ग पर पार्वती नदी के पास एक अज्ञात बाइक की टक्कर से राहगीर किसान घायल हो गया है। दुर्घटना के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने इस घटना की सूचना 108 एम्बुलेंस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एम्बुलेंस 108 के कर्मचारियों के द्वारा घायल का प्राथमिक उपचार कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया। चिकित्सकों द्वारा घायल की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार रघुवीर पुत्र रामचरण कुशवाहा निवासी मड़ी मोहल्ला से बहुत सुबह के समय अपने खेतों की ओर पैदल जा रहा था।
तभी पार्वती नदी के पास पैदल जा रहे रघुवीर को अज्ञात बाइक चालक ने लापरवाही से बाइक चलाते हुए टक्कर मारकर उसे घायल कर दिया। इधर सिरोही जिले के प्रथम चरण के चुनाव को लेकर पंचायत समिति क्षेत्र के 32 ग्राम पंचायत में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव को लेकर लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है। लंबी कतारों में लगकर लोगों ने मतदान किया। मतदान के चलते क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अबरोड पंचायत के 32 पंचायत समिति में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। फिलहाल किसी जगह से किसी भी प्रकार की कोई हिंसा की कोई खबर नहीं मिली है। पंचायतों के चुनाव को लेकर ग्रामीणों में उत्साह नजर आया। इसके साथ ही महिलाओं ने मतदान भी किया। वही चुनाव में जिला प्रमुख पायल परसरामपुरिया ने साधपुर ग्राम पंचायत में मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान क्षेत्र में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का निरंतर जायजा लेती रही। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्यमेव न्यूज और मुझे यानी कि अंकित माथुर को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।